भौतिक सामर्थ्य और आर्थिक संपन्नता के अलावा स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सफाई निहायत आवश्यक है। किसी भी देश का विकास इनके बिना संभव नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में 7 करोड़ से भी अधिक लोग खुले में शौच करते हैं। पूरी दुनिया में खुले में शौच करने वाले कोई 1 अरब लोगों में से आधे से अधिक लोग भारत में रहते हैं। हालांकि देश में ग्रामीण शौचालयों के निर्माण पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, बिहार की तो स्थिति और भी दयनीय है। जागरण पहल ने रैकेट बैंकिजर इंडिया के सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार के 200 गांवों में स्वच्छता और सफाई के व्यवहारिक परिवर्तन के लिए एक योजना बनाई है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य जमीनी स्तर के शासन संरचना, समुदाय आधारित संगठन और सीमावर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्वच्छता परिवर्तन बदलाव लाना है। इट्स एन ऑस्पिशियस डे टुडे एज लाइक माइंडेड पीपल विद अ कॉमन गोल, नेमली रैकेट बैंकिजर, जागरण पहल, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ग्रासरूट वर्कर्स एंड वेल विशर्स हैव कम टुगेदर टू जॉइन देयर हैंड्स and might to fight backwardness in sanitation and achieve an open defecation-free state for Bihar. अभी तो फोटो चल रही है, रात में
और विचार की आवश्यकता है। व्यवहारिक रूप से परिवर्तन अर्थात स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग और वैचारिक रूप से परिवर्तन खुले में शौच करने वाले लाखों लोग उन्हें अपमान अस्वच्छ एवं असुरक्षा बोध से गुजरते हैं। मानवीय गणना कलिया कठिन आधार अक्सर ही पूर्ण अपराध में परिवर्तित हो जाते हैं। समुदाय आधारित संगठनों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारियों पर केंद्रित किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह क्षमतावान परिवर्तन नायक अपनी क्षमताओं में और वृद्धि करके ग्रामीण समुदायों में साफ सफाई के प्रति व्यवहार परिवर्तन का शुरुआत सूत्र प्राप्त कर सकेगा। श्री जयराम रमेश जी का आदि अभिनंदन करें। मैं पुनः आनंद पाटिल जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आए और श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हमारे पटना के सांसद भी हैं उनका स्वागत करें। मैं श्री संदीप गुप्ता जी से आग्रह करूंगा जो हमारे एक्सिक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं कि स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज जी का आदि अभिनंदन करें। मैं श्री आनंद त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा श्री जी एम मिस्टर जी को हरियाणा से आया है उनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे प्रधान सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी और पीएचडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आनंद जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो श्रीमती विद्यालक्ष्मी सीईओ जीविका उनका हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आनंद जी से आग्रह करूंगा कि विद्यानंद जी का स्वागत करें मुख्य देकर आप लोग कृपया जोरदार ताली दें। सबसे पहले हम सब आज रॉकेट एज में हैं, हम सब अब डिजिटल एज में हैं। 500 ऐसे प्रतिनिधि चुनेंगे जो सचमुच परिवर्तन दूत बनने के लायक हैं और उनको हम डिजिटली इक्विप करेंगे, उनको हम
न सिर्फ सिखाएंगे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, बल्कि प्री लोडेड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे साथ ड्यो टेक्नोलॉजी भी जुड़ी है, और ये एक ऐसा एमएनई यानी मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन यानी कि उसके कैसे जांच पड़ताल करते हैं कैसे। राधे श्याम गुमला इनको भी आप जब हम लोग आपस में बातचीत करेंगे आप सुनेंगे, कई पुरस्कार इनको मिला है, ये सरपंच है। इनका नाम राधे श्याम गुमला नहीं राधे श्याम यादव है। जब ये पहली बार सरपंच चुने गए उन्होंने अपना नाम बदल लिया और राधे श्याम और मैनेजमेंट विभागों के मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। अपने 21 वर्षों का अनुभव के दौरान आपने यूके, पोर्चुगल और दक्षिण अफ्रीका सहित क्रिकेट फ्रेंचाइजी के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनेक भूमिकाओं में काम किया है। स्वास्थ्य, घरेलू और साफ सफाई संबंधी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित रखने वाली इस ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स कंपनी द्वारा अनेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे हार्पिक, लाइजॉल, जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट मोटिव से थोड़ा ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। ये तो सच है कि कॉर्पोरेट्स लाभ पे बहुत ध्यान रखते हैं, मगर सबसे पहले कॉर्पोरेट्स को ये सोचना चाहिए कि वो उनका उद्देश्य क्या है, और हमारा उद्देश्य ये है कि लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छता रहे और इससे उनका स्वास्थ्य भी बढ़े। और हमारे जो आपने सारे ब्रांड्स के नाम दिए वो इसीलिए हम बनाते हैं ताकि सफाई रहे, लोगों का स्वास्थ्य बढ़े और उससे उनको बीमारी ना हो। तो जब ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया लास्ट ईयर तो उसी समय स्वच्छ भारत प्रोग्राम भी अनाउंस हुआ, हमने सोचा तो हम भी देखिए पूरे प्रोग्राम में हाथ बटाते हैं। हमारा जो इसमें फ़र्क है जो कि हम थोड़ा अलग करना चाहते हैं ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शौचालय वगैरह है ये तो बहुत लोग बनाएंगे, ये तो बन ही जाएंगे, मगर इनको इस्तेमाल करने की जो लोगों की जागरूकता है वो कैसे उसको उपयोग करेंगे, क्यों उनकी हैबिट्स बदलेंगी, उसमें हमारा ज़्यादा ध्यान है। और आप कह ही चुके हैं कि इस प्रोग्राम में हम एक इन 200 विलेजेस 200 गांव में ये जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि अगर टॉयलेट्स यूज किए जाएं तो बीमारियां कम होंगी, लड़कियां स्कूल जाएंगी, डायरिया से बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, तो ये हमारा उद्देश्य है और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारा साथ हैं। धन्यवाद दीदी। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे भी श्री राधे श्याम गुमला जी ने, राधे श्याम गुमला जी ये हरियाणा का एक छोटा सा गांव है जिसमें वहां के सरपंच ने गुमला नाम जैसे हमने बताया कि राधे श्याम यादव से राधे श्याम गुमला बने। मशहूर गुमला को भारत के राष्ट्रपति और अनेक संस्थाओं से कई पुरस्कार मिले। सभी को नमस्कार। यहाँ मंच पर आप आश्चर्य कर सकते हैं 2005 से आज तक, अब हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं पंचायत के, दोनों योजनाएं मेरे काल की भी और मेरे काल के बाद की जो वर्तमान है रिजर्वेशन की वजह से बिना टॉयलेट जाए ध्यान भी नहीं लगता है कई बार, ये अपना तजुर्बा है, सच्ची बात है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसलिए सबसे पहले तो मैं इस पहल का अभिनंदन करता हूं। इस समाज में जागरण आए ये भी अपने आप में एक पहल है, किसी ग्रांट की आवश्यकता नहीं है बल्कि गांव की आवश्यकता है। जब गांव खड़ा हो जाता है इन ग्रांट देने वालों को तो पीछे पीछे आना चाहिए। हम सोच लेते हैं कि ग्रांट देकर हमने बहुत बड़ा एहसान किया, बल्कि मैं तो समझता हूं आज ग्रांट को ठुकरा कर आपका एहसान होगा कि इस तरह से हमें आगे आना होगा। और ये तभी संभव हो सकता है जब हर व्यक्ति जलेगा, और इसके जलने के लिए और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। अभी मुझे नीतीश पूछ रहे थे यू नो हाउ दिस इज पॉसिबल, यस इट कैन हैपन। नंबर वन बी सोशल, नंबर टू बी वोकल,
एंड नंबर थ्री बी लोकल. दिमाग में ऐसे समय आया मेरी नेशन भी सोशल आज तो यार मुझे भी बात हो रही थी फॉरेन मिनिस्टर अबाउट दिस टॉपिक एंड एजुकेशन बातें होती थी दिल खोलते थे दिल खोलते थे. आपने तो घर में टॉयलेट बनवा के ये भी छीन लिया. ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे देश के पास. एक छोटी बात नहीं और मैं सोचने लगा और इस सोच को बदलना है. आज व्यक्ति सोशल होता जा रहा है. सोशल होने के लिए आज बात तो यहां तक हो गई है बाहर जाने की जंगल में जाने की जरूरत नहीं है सोशल होने के लिए. आज तो एक कार में चार लोग बैठे होते हैं ये हम सोशल हैं. एक कार में चार लोग बैठे होते हैं चाहता हूं वो लोग समझने लगे. आज इस देश को भी समझना होगा कि जिनका जब घटनाएं घटती हैं तो लोग प्लान बनाते रहते हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स रिलीजियस लीडर्स दे आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड एंड दे स्टे टिल द लास्ट डे. मैं आपको कहना चाहता हूं इसके लिए सब धर्मों को जोड़िए. आज सबसे अच्छी बात यह है CSR CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और MSR मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा मुझे लगता है कि जरूरत पड़ी है RSR रिलीजियस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर ये तीनों जुड़ेंगी और उसके साथ साथ MSR ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये सारी चीजें जुड़ती हैं दोस्तों इस देश में रहने वालों को ग्राउंड पर जिंदा नहीं रहना पड़ेगा बल्कि अपनी मिल पर. लेकिन एक प्लान आज जो शुरुआत हुई है बिहार में कैसे क्या काम कर रहे हैं. सबसे पहले मैं एन विजयलक्ष्मी जी को कहूंगा जो कि CPO हैं जीविका के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कि अपनी बात रखी कैसे वो इस स्वच्छता में अपना योगदान कर रही हैं. बहुत ही संक्षिप्त में मंच पर उपस्थित माननीय श्री जयराम रमेश जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी मेंबर ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शरण कुमार जी हमारे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री कैबिनेट सेक्रेटरी श्री सुशील सिन्हा जी श्रीमती विद्या बालन जी और अन्य मंच पर उपस्थित महान भाव फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया सभी पंचायतों से आए हुए हमारे मुखिया जी और पंचायत के प्रतिनिधिगण. आज बहुत ही हर्ष की विषय है कि दैनिक जागरण के जागरण पहल के द्वारा इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मुझे बहुत कम समय दिया गया जस्ट एक दो मिनट तो मैं सिर्फ दो शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि हमारा पूरा विकास चाहे वो व्यक्ति का हो समाज का हो राज्य का हो या पूरे देश का हो अगर एक चीज पे खड़ी है तो वो सैनिटरी लैटरिन है. ये आपको अतिशयोक्ति लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. इट हैज बीन वेल रिसर्च्ड वेल डॉक्यूमेंटेड दैट देयर आर वेरी इंटीग्रेटेड लिंकेजेस बिटवीन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन. ये किसी को अभी बताने का जरूरत नहीं है. इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है बहुत डॉक्यूमेंटेशन हुआ है. क्यों एक बच्चा मैलनरिश्ड है क्यों एक घर में बहुत बार बार तबीयत खराब होती है स्वास्थ्य का समस्या उत्पन्न होती है ये सब की लिंकेजेस सैनिटेशन से है. जब तक सैनिटेशन की समस्या हम सुलझा नहीं लेते हैं तब तक उस घर के जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं मैल न्यूट्रिशन कुपोषण संबंधी समस्याएं वो सभी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते. सो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस बिटवीन हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन. और जीविका के बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊँ. अभी जीविका का रीच करीब 400,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है यानी 40,00,000 परिवारों तक हम लोग पहुंच चुके हैं. और बहुत उपस्थित महानुभाव मैं सर्वप्रथम जैसा अभी आपको बताया गया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहार को बहुत ही लंबा दूरी तय करना है. 1,64,00,000 परिवार को टॉयलेट बनवाना है अगले 4 वर्षों में. गांव को ODF करने का पंचायत को ODF करने की जो गति थी उसमें बहुत ज़्यादा तेजी आई है और भारत सरकार ने कुछ ही दिन पहले इसके लिए हमें प्रशंसा पत्र भी भेजा कहा भी कि शायद बिहार हैज अवेकन बिहार है ये भी
आदरणीय सुखमोहन सिन्हा साहब, विद्या बालन जी, हमारे पदाधिकारीगण, स्वामी जी, अन्य सभी मंच पर बैठे सम्मानित अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायतों से आए हुए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों के सब मीडिया के भाई, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहें कि किस तरह से जीविका के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। और जब इंदिरा आवास हम निर्माण करते हैं तो कोई भी इंदिरा आवास बिहार में बिना शौचालय का नहीं बनाना है, सभी इंदिरा आवास के साथ शौचालय का निर्माण भी होता है। कड़े निर्णय ये हैं कि कोई भी ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि तभी बन सकेगा, वार्ड का सदस्य तभी बन सकेगा, तभी जब उनके घरों में शौचालय होगा। बिना शौचालय का उनका नॉमिनेशन स्वीकृत नहीं होगा, उनका नाम संदर्भ होगा। सरकार ने भी कई सारे फैसले हमारे बीच हमारे बहुआयामी आयामी व्यक्तित्व के मालिक श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी उपस्थित हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी सिर्फ एक फिल्म अभिनेता नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा जी सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक सहज संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक भी हैं। इसी से प्रतीत होता है कि दो दिन पहले हमारी बात की और हमारे बीच है, तो मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से चाहूंगा कि वो बताएं, दो तरह से बताएं, क्योंकि ये शासन में जो सरकार है केंद्र में उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित हसमुख और बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती विजयलक्ष्मी जी को, उपस्थित यहाँ पे हमारे परिवार के भिन्न अंग और बहुत ही जबरदस्त ब्यूरोक्रेट भाई शिशिर सिन्हा जी को, हमारे मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे ग्रामीण विकास के भाई श्रवण कुमार जी, आदरणीय स्वामी जी, री टॉयलेट मैन जैक सिंह, उन्हें मैं कह रहा था कि थोड़ी दिन अगर बिहार में बिताएंगे तो आपका नाम जैक सिंह से जैक सिंह हो जाएगा और बाद में जैक सिन्हा बन जाएगा। तो मैं अभी सही कह रहा था, बहुत ही उच्च कोटि, बहुत ही बेदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कर्मठ नेता और सामाजिक व्यक्तित्व भाई जयराम रमेश जी उपस्थित। हाँ, हमारे नीतीश कुमार सर मनाते ही होने पड़ते हैं। अभी ये रचनात्मक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, तो नीतीश जी को याद करने के और भी तरीके हैं, लेकिन नीतीश कपूर जी सामने बैठे हैं तो मेरे मुंह से नीतीश कुमार आया से निकल के अच्छा नहीं। भगवान उनको अच्छी सेहत दे, दिखाई करे और इनको बहुत अच्छा करे। और हमारे अपने परिवार की और खासकर मेरी पत्नी की बहुत पसंद, देश की पसंद तो नहीं, और बहुत ही बढ़िया कलाकार, उम्दा कलाकार, और उससे ज्यादा कहूंगा इस जमाने में जो बहुत सारी हस्तियां नहीं कर पाई, जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त शबाना आजमी, चाहे स्मिता पाटिल, ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत ही अच्छे रहे, जबरदस्त रहे, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जबरदस्त, शानदार, दमदार, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, डेयरिंग पर्सनालिटी विद्या बालन जी सामने बैठी है। और इनके प्रथम आगमन पे बिहार, इनके पहली बार आई है यहाँ पे, तो इनके प्रथम आगमन पे हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। और जागरण समूह के
स्तंभ जो सबसे बड़े वहां के स्तंभ रहे, संपादक रहे, ऐसे हमारे बड़े भाई समान लेकिन बहुत अच्छे मित्र रहे नरेंद्र मोहन जी, उनको अपनी श्रद्धा के समुद्र अर्पित करता हुआ मैं आज जागरण समूह के तमाम परिवार के सदस्यों को, आनंद जी का, जागरण परिवार के लोगों का, और विशेषकर आप तमाम लोग जो हमारे परिवार के सदस्यगण आए हुए हैं पंचायतों से, भिन्न भिन्न पंचायतों से, आप तमाम लोगों का मैं, यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक आभार। इस कार्यक्रम को जिंदा करने के लिए जिसकी बहुत जरूरत है, आप इसे बहुत सुनते होंगे, मैं कहता था जब कुछ लोग गलत अर्थ निकालते थे इसका, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरा आशय है कि बढ़िया सा मानव मंदिर का निर्माण हो, मानवता का निर्माण हो, कोई मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर मानवता का, जैसा शैलेश गुप्ता जी कह रहे थे हेल्थ ऑफ द नेशन इज हेल्थ ऑफ द नेशन। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था तो मैं कहता था, जैसे अभी राधेश्याम जी इतने बढ़िया से बता रहे थे कि गांव में श्रम दान करके मानसिकता ठीक करके, मन दान करके, कर्म दान करके जितना बढ़िया एकदम आइडियल विलेज बनाया है, ऐसा कि बेमिसाल बेजोड़, उसी तरह से मैं कहूंगा कि आज जागरण समूह और आप तमाम लोगों ने, और खासकर विद्या बालन की उपस्थिति में, गरिमामय उपस्थिति में, ये जो कार्यक्रम आपने किया है, जिसे मैंने कहा पुनर्जीवित किया है, इसे सख्त आवश्यकता थी, वो वाकई आपका काम आनंद जी बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही अनुकरणीय है। स्वच्छ भारत आज मैं ये चुनाव लड़ूंगा ना लड़ू, उसके पहले करना कहना पड़ता है कि पटना ग्रीन पटना, क्लीन पटना, ग्रीन बिहार क्लीन बिहार। आज हम अपने छठों पे छठ करते हुए हमारे परिवार की महिलाएं घाट पे आती हैं, उनकी जो हालत देखता हूँ, कंडोम की बात कीजिए, कंडोम की बात कीजिए, कहते सर नहीं नहीं सर कंडोम की बात कर रहे सर, वी आर ऑलरेडी कंडोम टू डेथ। अरे कंडोम टू डेथ क्या मतलब? नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, बच्चे हैं, लड़कियां, महिलाएं, अरे हार्ड कोर रियलिटी है लाइफ का, पॉपुलेशन एक्सप्रेशन, आज सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ। अगले 5-10 साल में ग्राम पंचायतों से शुरू करना, तो निर्मल भारत अभियान का प्राथमिक मकसद यह था कि 10 साल के अंदर हमारे 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं वो खुले में शौच मुक्त बनेंगे। बिना सरकारी सहायता से, जैसे स्वामी जी ने कहा, अपने ही प्रयासों से अपने गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया, और आज महाराष्ट्र में 1/3 ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हैं। अलग अलग राज्यों में गति कहीं अच्छा है, कहीं पीछे हट रहा है, कहीं अभी काम शुरुआत नहीं हो पाई है, पर बिहार के संदर्भ में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 सालों से देखा। आप स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, शौचालय बनवाने और स्वच्छता एवं साफ सफाई बहाल रखने के लिए भारतीय जनमानस को आकर्षित करने वाले आपके दिलचस्प विज्ञापन लोगों पर सार्थक प्रभाव डाल रहे हैं। विद्या बालन जी, कहानी कहो, बाबू जासूस कहो, परिणीता कहो, या फिर स्वच्छता को विद्या बालन जी, बल्कि इसीलिए भी कि मुझे ये मौका मिला जागरण पहल और डेटॉल स्वच्छ बनेगा इंडिया इस पहल की वजह से, इस मुहिम की वजह से। वैसे तो बिहार में पहला विश्वविद्यालय है, बिहार में बहुत सारे आंदोलन और मुहिम की पहल हुई है। मैंने सुना कि सुलभ शौचालय की भी मुहिम की पहल भी बिहार में ही हुई थी, तो इस वजह से स्वच्छता दूत के रूप में मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हो रही है। और हाँ, आते ही
मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे पूनम जी का कॉल आया है, जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बीवी हैं। खुशी इस बात की भी है कि जिनके वजह से मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी सैनिटेशन की, जयराम रमेश जी, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो मुझे जानते नहीं थे, मैं उनको जानती थी, बहुत सालों से टीवी पर देखती आ रही थी उनको। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि क्या तुम स्वच्छता दूत बनना चाहोगी, तो मैंने कहा जरा खुलकर बताएं। उन्होंने कहा खुलकर यही बताऊंगा कि खुले में शौच जो होता है वो बंद करना है इस देश में। तो बस वहीं से हमारा काम शुरू हुआ। हमने 3 विज्ञापन बनाए जो हर चैनल पे, रेडियो पे चलाए जा रहे हैं। और तभी सब मुझसे कहने लगे कि अच्छा आपने डर्टी पिक्चर की, पर आप डर्टी पिक्चर की भी बात कर रही हैं, जो जिसके बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहता। और पिछले 2-3 सालों में मैंने तो विज्ञापन किया और कुछ किया नहीं। जो भी आप सब कार्यकर्ता हैं, आप सब काम कर रहे हैं, पर अलग अलग जगहों से, प्रांतों से मुझे ये न्यूज मिलने लगा कि अच्छा इस लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है। या फिर जैसे उन्होंने कहा कि शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं। आप सब ग्राम पंचायत से आए हैं, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गोमनाथ जी, आप जैसे बहुतों की जरूरत है। मैं यहाँ खड़े रहकर बहुत कुछ ऐसा कह सकती हूँ, पर मैंने ये भी सुना है कि हाँ सिर्फ शौचालय बनाने से खुले में शौच बंद नहीं होगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो लोगों ने कहा कि हाँ शौचालय तो बना दिया पर पानी नहीं आता हमारे गांव में, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और फिर मेरे ख्याल से 56% लोग ऐसे लोग जिनके यहाँ शौचालय है वो शौचालय इस्तेमाल नहीं करते, इनकार इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस घर में पूजा होती हो या फिर मंदिर हो उस घर में शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हम तो मानते हैं कि भगवान हर जगह है, और अगर ऐसा मानते हैं तो फिर खेत में हम कैसे जाके शौच करें? जयराम रमेश जी मेरी तरफ देख के सिर हिला रहे हैं कि थोड़ी बहुत सीख गई है। तो और हम लोग और सुनना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अब मैं श्री अनंत माधव जी को से निवेदन करती हूँ कि विद्या बालन जी को सम्मानित करें। ठीक है, ठीक है, आप ही के चलते ढेर लगा रहे हैं। कोई कमी नहीं है, हर एक जिले में
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है और अभी हम लोगों ने ये भी निर्णय ले लिया है कि आपके पंचायत हरेक पंचायत में स्टैंडिंग कमेटी है, जल एवं स्वच्छता समिति आपके हरेक पंचायत में है, उसे ही राशि देनी जाएगी और अगर इसके बावजूद भी आपको अगर पैसा नहीं मिलता है तो आप खड़ा होकर घोषणा शौचालय का फोटो खींचा गया है, उसके बाद प्रखंड लेवल का मांग किया गया, प्रखंड से जिला गया और अभी तक जो है 2 महीना हो गया पैसा नहीं मिला। आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, अगर आप हमें अभी लिख के देते तो मैं कल ही इसका समाधान करता। दूसरा देखिए, अभी अभी आनंद माधव जी के द्वारा कहा गया, जैसे नाथनगर प्रखंड के सभी आदमी जानते हैं कि नाथनगर प्रखंड में जयराम रमेश जी द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक शौचालय का उद्घाटन किया गया था, लेकिन वो हमको लगता है कि नाम का ही उद्घाटन किया गया, आज तक उस शौचालय को चालू नहीं किया गया। अगर उसके चालू के लिए वीडियो साहब के पास जाते हैं, कहता है कि इसका कोई ऐसा चाबी या हम लोगों को कुछ पावर नहीं दिया गया जो कि हम इसे शौचालय को चालू करें। इसलिए मैं जयराम रमेश जी से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आखिर ये जो शौचालय बना तो खुले में शौच को बंद करने के लिए, लेकिन शौचालय का फायदा क्या, लाखों 50 लाख रुपया खर्चा हुआ लेकिन कोई यूज नहीं हो रहा है, आदमी खुले में शौच कर रहे हैं। वहां पर एक समिति बनाई गई है, जो वीडियो है वो सर देखना पड़ेगा, वीडियो के नेतृत्व में समिति बनाई गई है और वो शौचालय चालू है और उसको हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है उसकी। मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आपने आपने जो बिना सहयोग बिना सरकार के सहयोग से उन्होंने जो बनवाने का काम किया है उसमें थोड़ा सा हम लोगों को विचार रखें, किस तरह से हम लोग बिना सरकार से भी पंचायत में शौचालय बनाने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद आपको। हाँ, हमारे धन्यवाद अतिथि आई है, जयराम जी, जय सिंह स्वामी जी, अजय महोदय, अजय श्याम जी, इनका इसको अनवील करें, आपके सामने दिखाएं और इस अभियान को हम कैसे आगे लेके चलेंगे, हम विज्ञापन हो किसी भी जगह हम इसको लेके साथ में चलेंगे। आप सबके लिए सबसे बड़ी सूचना कि भारत का
विद्या जी आप जानते हैं इतने देर वहाँ बैठी थी, सिर्फ ये बताएं कि अभी जो हम लोग सब लोग आए हैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि पहली बार विद्या जी बिहार आई हैं और आई हैं तो किसी अच्छे कार्यक्रम के लिए आई हैं, किसी अच्छे विचार के लिए आई हैं और खास करके जो स्वच्छता का प्रश्न है उसको लेकर आई हैं। ये जो हम लोगों ने जो परियोजना की जो शुरुआत की है 100 गांव जो चुना है, ये सिर्फ कहने की चीज़ नहीं है बल्कि इसको सबको मिलकर करके दिखाना है। इसमें निश्चित रूप से हम जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हम समूह की भूमिका है, इसमें ना सिर्फ जो पंचायत प्रतिनिधि है जैसे कि हमने बताया कि उनको हम डिजिटली इक्विप करेंगे बल्कि उनको हम ट्रेन भी करेंगे कि कैसे उसको चलाएं, साथ ही साथ उसका उपयोग अपने दैनिक कार्यों में भी कैसे करें। तो ये जो है हमारे बीच का प्रश्न है और इस हमारे बीच के प्रश्न को हम जो है नीचे तक ले जाने का मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और पहल और डेटॉल की जो कंपनी आती है उनके साथ ये बहुत स्पष्ट रूप से इसी ने कहीं से कोई बहुत हम लोग इसका फायदा देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये देखने कर रहे हैं कि कैसे हम उसको छू पाए। यकीनन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्रांतों से मैंने पेपर में न्यूज़ पढ़ा है कि किसी लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके ससुराल में शौचालय नहीं था। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि जिस घर में वो जाने वाली थी वहाँ शौचालय नहीं था, तो पोर्टेबल टॉयलेट जो है उसके पेरेंट्स ने उसके शादी पर उसको गिफ्ट दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस सुनने में आते हैं। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ तो क्योंकि वो मेरा विज्ञापन देखते हैं तो मुझसे कहते हैं, अलग अलग चीज़ें पता चलती है उससे। कोई बॉम्बे में बता रहे थे कि जो पुलिस स्टेशंस हैं जहाँ आजकल बहुत सारी फीमेल कांस्टेबल्स भी हैं उनके लिए अलग से टॉयलेट्स नहीं हैं, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और वो हम लोगों की हमारे सिटी का स्टेट का कह लीजिए या देश की वो निगरानी कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनका ख्याल रखें। ये बेसिक फैसिलिटी होता है टॉयलेट का, तो ये प्रभाव तो पड़ रहा है, एटलीस्ट एक जागरूकता है। और अगर वो जग गए हैं तो आगे जाके मेरा मानना है कि जागरूकता इज अ फर्स्ट स्टेप टू चेंज, परिवर्तन के लिए जागरूकता पहला कदम है। तो ये जागरूकता फैल रहा है तो बदलाव होना ही है। जागरूकता तो फैल रहा है लेकिन क्या लगता है कि जहां समस्या है जैसे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, प्रॉब्लम होता है, टॉयलेट इनका समाधान के लिए क्या आपने कुछ पहल की या फिर कुछ सोचे? नहीं, आई थिंक अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान के तहत बहुत लोग जुड़ गए हैं, जितना हर एक से बन पड़ता है वो कर रहे हैं। और बहुत सारे एनजीओस जैसे हमने नीचे देखा कि बहुत ग्राम पंचायत ये इनिशिएटिव ले रही है कि अपने गांव में वो खुले में शौच पूरी तरह से बंद कर दे तो शौचालय प्रोवाइड करे। और हमेशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव के लिए हमें नहीं रुकना चाहिए, जैसे स्वामी जी ने भी बताया कि हमें कुछ खुद जो हमसे बन पड़ता है वो करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं ना कि सिस्टम ही खराब है, लोग कुछ नहीं करते, पर ये लोग कौन है? डेमोक्रेसी में अगर हमें डिफरेंस देखना है, चेंज परिवर्तन लाना है, तो हमें खुद के सोच को पहले बदलना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य है कि हमसे जो बन पड़ता है वो करें और सॉल्यूशंस निकल आएंगे। जैसे आपने कहा कि स्कूल्स में प्रॉब्लम्स हैं, पर आजकल काफ़ी लोग डोनेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सपोर्ट है, पर
बहुत सारे एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट काम करे, एनजीओ काम करे, ग्राम पंचायत काम करे, हम बस बैठे रहे और देखते रहे. हम सबसे जो बन पड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद से बनता है सागर. थैंक यू. एक बात और भी है कि हर आदमी अपनी अपनी भूमिका में है. ये प्रचार प्रसार कर रही हैं, सरकार काम कर रही है, कॉर्पोरेट आगे आ रहे हैं. और कोई मीडिया और कुछ पूछना चाहते हैं आप प्रेस पे भी हम लोग? I'd like to ask a question. How do you think we can target children and make them agents of change? Actually, you know, I'd like Mr. Nitish Kapoor to elaborate on this, because that is part of the program, yeah. That is part of this campaign. They are going into schools, they are trying to start a 3-year program wherein there is constant reminder of what sanitation and hygiene means and how it impacts different areas of your life, so that it becomes second nature for kids. Because most often what happens is you have one class where you're taught you should wash your hands and that's what it's about, and then it's forgotten. And in the situations that a lot of the kids come from, you know, they're probably not practicing a basic thing like washing their hands, so they forget. But you need schools to constantly remind them. You need schools to provide toilets. You need a multi-pronged approach. It can't be just a one-off thing. And which is why, you know, I'd like, I'll just pass the mic to Mr. Nitish Kapoor. Thank you. So what we're trying to do is really develop a 45-lesson curriculum. So 45 lesson, jo ki har bacche ko 7, 8 aur 9 saal ki umar mein हर साल 15 लेसन दिए जाएंगे, ताकि एक बार बताने से भूलते हैं, मगर अगर बार बार सुनेंगे कि अपनी स्वच्छता, कम्युनिटी की स्वच्छता जहां रहते हैं, स्कूल में, टॉयलेट में, सब कुछ अगर वो सीख जाएंगे तो ये उनके साथ जिंदगी भर रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक कोई जाएगा और भूल जाएगा, फिर अगली कक्षा में कुछ उसकी रेपिटेशन नहीं होगी. तो ये हम जो करिकुलम है 45 लेसन का, ये हम 10,000 स्कूल में अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में. और इसका जो सारा मटेरियल है जो कि बनाया गया है स्पेशलिस्ट टीचर्स के साथ, वो अवेलेबल है. जो भी करना चाहता है उनके लिए अवेलेबल है कि ये लो करिकुलम, अब आप अपने एजुकेशनल सिस्टम, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी SCERT हैं, वो हमारे से ले लें, हमको प्रॉब्लम नहीं है, ये हम शेयर करेंगे. और इसमें एक और भी मैं चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि हर लेसन में किसी से एक मैसेज आएगा जो कि लोग, जिसका कुछ महत्व होगा. जैसे कि अगर विद्या जी चाहेंगी तो एक लेसन में अगर वो बताएं कि ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, या कोई और सिखाए तो उससे उसका और इम्पोर्टेंस पड़ता है. जैसे कि आज जयराम रमेश जी भी बोल रहे थे कि सचिन तेंदुलकर और विद्या बालन जी ने मिला के जो लेसन बनाए थे उससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ. देखिए, विद्या जी का कमिटमेंट आपने देखा, इट्स नॉट इजी, यू नो, इट शोज हर कमिटमेंट. लुक एट द वन कंपनी दिस साइड एंड अदर मीडिया, योर कम्युनिटी, एंड आई अप्रिशिएट दैट. नंबर वन. नंबर टू, मुझे लगता है कि आज एक समय था हमारे देश में सबसे पहले लोग प्रेयर करते थे. शुरू प्रेयर से होता था दिन, और आज पता है किससे शुरू होता है? आप लोगों से, न्यूज़पेपर से, मीडिया से. लोग खबरें सुनते हुए, लोग पढ़ते हुए, अब सब लोगों ने, अगर ये शो, आपकी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए जो मैंने आज कहा है MSR, देखो, एक तो आपको अपने पेट के लिए करना पड़ता है, पक्की बात है, मालिकों को भी खुश रखना है, लेकिन एक है जो पेट से पार है. मैं अपने में भी तो कुछ हूँ, मैं केवल बिका नहीं हूँ, मैं बचा हूँ बहुत कुछ. उसके लिए एक तो पेट के लिए लिखो, एक पेट से आगे भी लिखो. उसके लिए मुझे चाहिए HSR, ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए कि वो मेरे भाई बहन हैं, वो भी मेरे हैं, मेरे परिवार के अंग. मुझे भी थोड़ी, मैं भी लद्दाख में था, हल्का सा क्या हुआ, हम लोग सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो बड़ी इतनी ऊंचाई पे, तो थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ, तो हल्का सा मुझे लगा, तो जैसे उसको लगा दूसरे पैर ने तुरंत ही आगे आके, ताकि उस पर जोर चोट ना लगे, थोड़ा उस पर दबाव ना पड़े, दूसरा पैर अपने आप आगे आ गया.
इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैर को पता है कि ये भी मेरा ही पैर है, जिस दिन ये पता लगेगा ना ये सारे मेरे ही भाई बहन हैं, सच्ची मानो फिर हम चुप नहीं रह सकेंगे, फिर दिल में कुछ कुछ होने लगेगा, और जब दिल में कुछ कुछ होता है ना बहुत कुछ हो जाता है, और उस कुछ कुछ होने की ज़रूरत है, इसके लिए सारी शुरुआत है। वो बम्बई से आ गई, वो लंदन से आ गए, वो देखो कहाँ कहाँ से सब छोड़ के आ गए, और मैं आपकी भूमिका की प्रशंसा करता हूँ, प्लीज़ गेट अप एंड बी टुगेदर। आप लोगों की भूमिका अब रिपोर्टर बनने की नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ, अब रिपोर्टर बनने की नहीं, अब पार्टनर बनने की है। ब्रेकिंग न्यूज़ केवल इतनी ना रहे, सच्ची कह रहा हूँ, हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ काम को पता है, लेट अस ट्राई टू मेक न्यूज़, breaking news, and now there should be a plan making news, and you can do it. Thank you. Announcement about my next film very soon. Thank you. बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने कहा कि स्वागत ही अच्छे खाने से हुए और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं काश कि थोड़ा और वक्त मिलता यहाँ बाहर जाके देख पाती, पर पहल तो हुई है पटना आने की, तो आती रहूँगी आप लोग पटना वालों के लिए। नालंदा सत्तू बौद्ध धर्म सब कुछ तो है यहाँ। अब हर किसी के पास शौचालय भी हो, बस शुक्रिया। दूर से लो, दूर दूर से। अरे यार एक रुको, चलो चलो चलिए 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 चलो आगे तक खाली कर, आगे से आगे। थैंक यू। बता दो।